रहमान रहीम, लाहौर के वासियों और सारे तरफ से आए हुए हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुन और सारी पब्लिक, आप सबको हम सलाम पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान ने जो कहा था वो सच साबित हो रहा है। मुझे अफसोस होता था जब नून लीग कहती थी कि इमरान खान के साथ आवाम नहीं है, अब मेरा दिल करता है उनको मैं एनके भेजूं, एनके लगाओ और देखो कि आवाम किधर है। इमरान खान के साथ है और किसी के साथ नहीं है। तुम सारे जो चूचू के मुरब्बे इकट्ठे होके और सारे चोर इकट्ठे होके अब जो तुम लोगों ने काबीना बनाई जिसमें सारे के सारे जो हैं वो बेल पे रहा हुए हुए हैं, माशाल्लाह तारीख रकम कर रहे हैं। तारीख इस तरह की रकम हो रही है कि पहली दफा हुआ है कि गवर्नर सीधा जेल से आके गवर्नर बन गया और गवर्नर हाउस ऑफ जेल डिक्लेयर हो गई। एक कितनी बड़ी बात है, यानी एक तरफ वो तारीख रकम कर रहे हैं और एक तरफ इमरान खान तारीख रकम कर रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान का और इस्लाम का दुनिया में बोलबाला कर दिया। आज हम फखर से सर ऊंचा करके खड़े होके बात करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम खुददार हैं, हम इस बात पे यकीन करते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। और इसको कायम रखने के लिए और इसमें से ये सारा कूड़ा करकट और गंद निकालने के लिए सिर्फ एक मर्द मुजाहिद है। वो कौन है, वो कौन है? इस पाकिस्तान को इस दलदल में से पहले उसने निकाला था। आज से पहले कभी किसी हुकूमत ने आवाम का ख्याल नहीं किया था। मैं दाद देती हूं इमरान खान साहब को, मैं खराज तहसीन पेश करती हूं इमरान खान साहब को कि उन्होंने जब सेहत कार्ड की बात मुझसे की तो मैं खुद थोड़ी सी हिल गई। मैंने कहा जी इतनी बड़ी रकम, उन्होंने कहा ये अवाम के पैसे हैं, ये अवाम पे ही लगने चाहिए और किसी पे नहीं लगेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत कार्ड हमने पूरे पंजाब के 3 करोड़ अवाम को दे दिया। बड़ी तकलीफ है उस सेहत कार्ड की। अब चू चू के मुरब्बा जो बोलना शुरू करते हैं ये तो हम लाए थे और इन्होंने आगे किया। अगर इतने लाने वाले होते तो हालात पाकिस्तान के ऐसे होते जो तुमने बना के हमें दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो इस वक्त सारी दुनिया के अंदर रिकग्निशन है। कोविड के दौरान मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ फिर अपने लीडर की विजन को कि उन्होंने हमेशा गरीब आदमी का सोचा। मुझे अभी तक याद है जब इनको कहती थी कि हम बंद करें शहर तो वो कहते थे नहीं, 40% मेरी आबादी दिहाड़ीदार है, हमने बंद कर दिया तो ये रोजी कहाँ से कमाएंगे। जिस बंदे को अपने हर बंदे की फिक्र है, जिस बंदे को अपने हर गरीब की, हर बच्चे की, हर माँ की, हर बहन की, हर बूढ़े की फिक्र है, ऐसा ही लीडर चाहिए हमें और कोई नहीं चाहिए। ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये नामंजूर। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट,